गुजरात कोंग्रेसना प्रवक्ता रघु शर्माए सोमवारना दिवसे आक्षेप करता कह्युं हतुं के गुजरातमां नशानो कारोबार वध्यो छे। तेमणे खात्री आपता कह्युं हतुं के कोविडना कारणे मृत्यु पामेला 3 लाख લોકોના પરિવારને 4 લાખની સહાય આપવા માટે કોંગ્રેસ પ્રયાસ કરશે। મોંઘવારી સામે અમે સમગ્ર દેશમાં 12મી ડિસેમ્બરે રેલી કરીશું। 3 કાળા કાયદા જો ખેડૂતોને પૂછીને લાવ્યા હોત તો સારું રહ્યું હોત અને કાનૂનોને પાછા ખેંચવાની ફરજ ન પડી હોત। કાળા કાનૂનના કારણે પ્રધાનમંત્રીએ ખેડૂતોના માફી માંગવી પડી છે। ગુજરાતમાંથી ભાજપનો ઝંડો ઉખાડીને ફેંકી દેવાયો છે। પૂરે દેશ મે ये मार्केटिंग होती है गुजरात मॉडल की। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब मैंने यहां आके देखा ये गुजरात का मॉडल, ये तो खोखला है, इसमें तो कोई दम नहीं है। अरे इतनी बड़ी महामारी के दौर में गुजरात में लाखों लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से चले जाए, वेंटिलेटर मौके पे मिले नहीं उससे चली जाए, इंजेक्शन मिले नहीं उससे चली जाए। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन 5-6 हजार का आता है, ये टोसिलीजुमैब इंजेक्शन 40 हजार का आता है, ये बगल में आपका पड़ोसी राज्य राजस्थान 1 रुपया लगने नहीं दिया गरीब को। रेमडेसिविर 3 टोसिलीजुमैब 40 हजार का, वो फ्री। और यहां पे गुजरात प्रदेश कांग्रेस गुजरात भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्या काम? रेमडेसिविर तो अस्पताल में मिलना चाहिए, ये बीजेपी के दफ्तर में कैसे चला गया? कैसे कालाबाजारी हो गई? क्या यही गवर्नेंस का गुजरात मॉडल है जिसको पूरे देश को भ्रमित करने के लिए आप कर रहे हो?